एवरीवन, वेलकम टू द शमास रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नान की रेसिपी। जब भी मैं आपके साथ किसी ग्रेवी वाली रेसिपी की या किसी रिच ग्रेवी की रेसिपी शेयर करती हूं तो कहती हूं कि इसे नान से परोसिए। आज नान बनाते हैं, आधे घंटे के अंदर बनाएंगे, कोई हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें बनाने में। बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत प्यारी रेसिपी, बहुत ईजी रेसिपी, बाहर से बचने वाली रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं नान। नान बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 1.5 कप के करीब मैदा ले लिया है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं उसे हेल्दी बनाने के लिए। साथ ही मैंने ले लिया है 1/3 कप के करीब दही, नॉर्मल दही है, खट्टा दही नहीं है। और ये 2 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल ले लिया है। चीनी ले ली है 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून कह लीजिए, चीनी से बहुत अच्छा कलर आता है। ये मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून के करीब, और मैंने 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा ले लिया है। साथ ही मैंने ले लिया है गुनगुना पानी। आगे भी और चीज़ें यूज़ होंगी, वो मैं अभी आपको बताती हूँ आगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं नान। तो नान बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। साथ ही ले लिया है मैदा ले लिया है। अब हम डालेंगे इसमें चीनी, बेकिंग पाउडर, ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, कर्ड, और साथ में लेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून है। मिलाएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से मिला के हमें इसे गूंदना है। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। गुनगुना पानी ही यूज़ कीजिएगा। आप चाहें तो इसकी जगह दूध भी ले सकते हैं गुनगुना, मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से इसका हम एक डो बना लेते हैं, सॉफ्ट सा। तो ये डो हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इस पर पपड़ी ना जमे। ऑयल का हाथ मार देते हैं। सिर्फ 15 मिनट के लिए रखना है हमें ये, 15 या 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे इसे ढक के। 15-20 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। मिलते हैं 10-15 मिनट बाद। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आटा चेक कर लेते हैं अपना। देखिए आटा ऐसे दबा रहे हैं तो वापस आ रहा है वो। देखिए इसमें 1-2 पंच और मार लेते हैं हम। कितना बढ़िया आटा हो गया है। अब हम इसकी एक लोई तोड़ लेते हैं, थोड़ी सी मोटी तोड़िएगा क्योंकि नान बहुत मोटे होते हैं। ये थोड़ा सा मैंने ड्राई मैदा ले लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा ड्राई मैदा लगा लेते हैं। अब लोई कैसे बनानी होती है इसकी, ये ऐसे करके, और यहाँ की लोई तैयार हो गई। देखिए है ना, ऐसी लोई बना लेते हैं सारी अपनी। ये लोइयाँ तैयार हो गई हैं, अब इन्हें बेलते हैं। तो अब हम लोई को बेलेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे, ढकेंगे इसे और इसे ड्राई मैदे में लपेटेंगे। और आप गोल बेलना चाहें तो गोल बेल सकते हैं, अगर ओवल शेप में बेलना चाहें तो ओवल शेप में बेल सकते हैं। वैसे तो ओवल शेप में ही बेलते हैं ये, तो बेल लेते हैं इसे अच्छे से। थोड़ा सा और फैला लेते हैं इसे। अब बेलेंगे इसे ओवल शेप में। और इस पर स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया। आप चाहें तो इस पर कलौंजी
और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तिल ऐड कर सकते हैं। इसको ऐसे प्रेस कर देते हैं अच्छे से और अब इसे हम पलट देते हैं। कैसे पलटेंगे? ऐसे। तो ये हमने नान पलट दिया था, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पानी और थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अगर मैदा स्प्रिंकल करके आप नान बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट बनेंगे। ये नान हम जो है तवे पे बनाना सिखा रहे हैं, ओवन में नहीं है, तंदूर में नहीं, सिंपली इजी तवे पर। तो तवे पे हमारा नान अच्छे से चिपक जाए इस वजह से पानी की क्वांटिटी और सूखे मैदे की क्वांटिटी आपको अच्छे से रखनी होगी। तो ये लग गया है पानी अच्छे से, अब चलते हैं तवे की तरफ। तो ये है तवा, इसका फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था और गैस तवा अच्छा गर्म हो गया है। अब पानी वाले भाग को हम तवे पे चिपकाएंगे अच्छे से और ऐसे प्रेस कर देंगे। अब इसमें बबल्स आने देते हैं, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेते हैं, नहीं तो नीचे से नान हमारा जल जाएगा। बबल्स आने देते हैं। तो देखिए नान में बबल्स आ चुके हैं ऊपर। अब हम क्या करेंगे, तवे को उल्टा करेंगे या गैस का फ्लेम हाई करेंगे और सेकेंगे अपने नान को, घुमा घुमा कर सेकेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा नान सेक गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए पीछे से भी कितने अच्छे से हमारा नान जो है वो सिक गया है, कितना बढ़िया नान बना है। ऐसे ही सारे नान बना लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे नान बनकर बिल्कुल रेडी हैं, कितने अच्छे हैं और कितने अच्छी तरीके से सिके हुए हैं। बहुत इजी है इन्हें घर में बनाना, बहुत ही फ्लफी नान बने हैं। देखिए देखिए बिल्कुल आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल फ्लफी लगेंगे। मैं इन पर घी अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें बटर के साथ खा सकते हैं। देखिए घी लगाने से या बटर लगाने से और अच्छी शाइनिंग आ जाती है नान में। आप नान को तो पनीर की सब्ज़ी के साथ, दाल मखनी के साथ, चिकन के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए तो ये रेडी है हमारे नान, देखिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।